बढ़िया है कचौड़ियाँ, मथुरा का नाश्ता भाई, जो कचौड़ियों का स्वाद यहाँ पे है ना वो कहीं और नहीं है मथुरा में। और यहाँ का सुबह का नाश्ता सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया, आधा मथुरा यही करता है। भीड़ देखो, जैसे जेठालाल का वो आता है ना जलेबी फाफड़ा, मथुरा वालों के लिए जलेबी कचौड़ी, तो देखते हैं क्या किया है। गुड़गांव में एक जलेबी कचौड़ी की दुकान खोल लेते हैं, वहाँ है नहीं ना, है नहीं। और यहाँ क्या दिल्ली मथुरा आगरा के बहुत लोग बहुत चले, कैसा लगा? मेरे को बेड़े ही ज़्यादा पसंद नहीं है, वैसे तो मैं कचौड़ी भी बहुत कम खाती हूँ, पर ये आलू प्याज की कचौड़ी है ना इसलिए मुझे अच्छी लगती है। बोले अच्छी भी बनाता है, सब्जी में इतना मसाला होता है ना यार, सब्जी में भी लहसुन वगैरह कुछ नहीं होता, पूरे मथुरा मीठा खाना छोड़ तो वजन कम हो जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो खाया जाता है जलेबी। अगर आप लोग मथुरा आए हैं और आपने अगर जलेबी कचौड़ी का नाश्ता नहीं किया और मथुरा में ऐसा नहीं है, आपको हर जगह नाश्ता मतलब जलेबी कचौड़ी का मिलेगा, जगह जगह सिर्फ 10 बजे 11 बजे तक मिलता है कचौड़ी सब्जी, आपको नहीं मिलेगी पूरे मथुरा में। बहुत सारी शॉप है, अब तो काफ़ी फेमस फेमस शॉप है जो अच्छा बनाती है, और जो फेमस नहीं है वो भी अच्छा बनाता है। जैसे ये इसमें लेके आता हूँ तो आप कहीं से खा सकते हैं। तो आज कचौड़ी स्पेशली आई है क्योंकि कचौड़ी वाले ने कचौड़ी बनाई नहीं थी, बनवाई है मैंने, मतलब बेड़े ही बनाई थी कचौड़ी जो होती है बनाई थी लेकिन सुबह खत्म हो गई थी, फिर मैंने दोबारा बनवाई, मैंने कहा यार कि बना दे, उसने बनाई है लस्सी। वैसे नहीं भी तो अरे तुमने कहा था तो यार कैसे, ₹10 एक्स्ट्रा दिए उसको जलेबी कचौड़ी का नाश्ता करिए। और वृंदावन में ना लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, और बल्ला टिक्की जिसे दिल्ली गुड़गांव में टिक्की बोलते हैं, यहाँ बल्ला बोलते हैं। और जलेबी को सब्जी के साथ खाने का अलग ही मजा है, नमकीन और मीठे का एक गुड कॉम्बिनेशन है। हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे बाहर, ये भी तो मजा है ना, दिल्ली गुड़गांव में ऐसी जगह नहीं मिलती, हम अपने घर के बाहर बैठे हैं, हवा चल रही है आज, मौसम अच्छा है, ग्रीनरी है। मैं आपको घर का गार्डन भी दिखाऊंगी यहाँ कि घर का गार्डन कैसा है, और थोड़ी उसमें गार्डन भी करेंगे। चलो जी आते हैं। तो ये है मथुरा का फेमस एंड डिलीशियस नाश्ता, ये वाली है बेड़ी, ये है कचौड़ी। बेड़ी और कचौड़ी में डिफरेंस क्या है, ये इस तरीके से होती है कुछ पूड़ी की तरह बेड़ी, कुरकुरी कितनी है या नहीं फूट रही भाई, दाल ये देखो आप
जिक्र आ रहा है। यही खाई जाती है, ये खस्ता कचौड़ी है, ये रायता है, ये सब्जी है, और सब्जी कितनी मसालेदार होती है, ये चले भी है। एंजॉय आरिका, बीबी कचौड़ी कैसी है? अच्छी है, टेस्टी है क्या?